दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी समन्स पर पेश नहीं होने पर बीजेपी ने एक बार फिर हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और वो 9 समन पर 18 बहाने बना रहे हैं। पात्रा ने यह भी कहा कि दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले समन से भाग रहे हैं। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, मामला कोर्ट भी पहुंचा। कोर्ट के एक्शन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पर अभी तक कोई असर नहीं। 9 समन्स के बावजूद वो नहीं पहुंचे हैं। संबित पात्रा ने आज एक के बाद एक सवाल पूछे हैं। केजरीवाल रंग बदलने में माहिर है, ये कहा है संबित पात्रा ने। इसके अलावा भी कई बड़ी बातें। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। उन छींट के कुछ धब्बे आज हम आपको यहां दिखाएंगे, उनके झूठ के पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने, 9 समन 18 बहाने। इससे पहले ईडी के केजरीवाल पर 100 करोड़ के आरोप का आम आदमी पार्टी नेता आदुषी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की दलील ईडी के सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आदुषी की तरफ से जो जवाब दिया गया है, ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर ये सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है, वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ चुका है। ईडी ने अपनी जांच में बड़ा पर्दाफाश करते हुए तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जोड़ दिया। ईडी ने के कविता और केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही के कविता पर आपको 100 करोड़ की रिश्वत देने का भी आरोप लग रहा है। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। दो तस्वीरें आपके सामने, केजरीवाल पर जांच की आंच और घोटाले में और कितने नाम, के कविता की गिरफ्तारी और उसके बाद कयास ये लग रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि और कितने ऐसे चेहरे हैं जो आबकारी घोटाले के मामले में सामने आएंगे और जिन पर ईडी का एक्शन होगा। आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल का नाम आने पर आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर दिया। आपने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ईडी को बीजेपी का हथियार बताया है, साथ ही कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। आबकारी घोटाले में केजरीवाल को कई समन्स दिए जा चुके हैं और उसके बावजूद अभी तक नहीं पेश हो रहे हैं। केस कोर्ट में है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर रही है? ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा है। केजरीवाल से बीजेपी डर चुकी है, यह आम आदमी पार्टी के सवाल भी हैं और बीजेपी को जवाब भी है। वहीं आबकारी घोटाले में ईडी के अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि केजरीवाल इस्तीफा दें और ईडी का सामना करें। केजरीवाल साहब को चाहिए कि जो 2012 में उन्होंने हमें कहा था, जनता को कहा था कि अगर मेरे ऊपर आक्षेप भी आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या मुझे जेल में डाल देना, ये समय आ गया है कि उनको इस्तीफा देकर के ईडी को फेस करना चाहिए।
आइए अब इस वक्त आपको बताते हैं कि ईडी ने अपनी जांच में केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। ईडी के मुताबिक ईडी का क्या कहना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है। के कविता ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साजिश रची थी। ईडी ने के कविता पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। निजी लाभ के लिए दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव किए गए हैं। ये सारी बातें जो है वो केजरीवाल पर जो ईडी के आरोप हैं उसके आधार पर। बाद हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ बन गया, या यूं कहें कि हाजीपुर को रामविलास पासवान के नाम से जाना गया। 1977 और 1989 में तो उन्होंने वहां से बम्पर वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर से जीते, वो वहां दो बार चुनाव हारे भी थे। 2009 में हाजीपुर में मिली हार ने तो उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि वो एक जनसभा में रो पड़े थे और मंच पर खड़े होकर हाजीपुर की जनता से माफी मांगी थी। रामविलास पासवान की ये जनसभा हाजीपुर के मीनापुर में हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान हाजीपुर में हार गए थे और इसके बाद हुई एक रैली के दौरान उनके आंसू छलक गए थे। लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने खुद को हाजीपुर से जोड़े रखा और चुनाव के नतीजे आने के बाद वहां एक बड़ी रैली भी की और उस रैली में नम आंखों से लोगों से कहा था कि बच्चे से गलती हो जाती है तो थप्पड़ मार देना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। और सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान से जुड़ा ये किस्सा खूब चर्चा में था, क्योंकि भले ही वो 2009 में चुनाव हार गए थे लेकिन उसी हाजीपुर सीट पर 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने वापसी कर ली थी। इसके बाद रामविलास पासवान ने एक बार फिर हाजीपुर का रुख किया और 10 में 8 बार हाजीपुर से चुनाव जीते। 1984 और 2009 में जब वो हाजीपुर में चुनाव हारे थे तो उन्होंने अपना चुनाव का कार्यालय बदला था और इसीलिए उनकी हार के बाद उनके चुनाव कार्यालय के बारे में भी खूब बात हुई थी, क्योंकि 1977 में रामविलास पासवान ने हाजीपुर के डाक बंगला के पास इंदुभूषण ठाकुर के घर पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था। लेकिन 1984 और 2009 में रामविलास पासवान ने अपना चुनावी कार्यालय बदल दिया और इन दोनों बार रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे। इसके बाद इंदुभूषण ठाकुर के घर को रामविलास पासवान के लिए लकी माना जाने लगा था और खबरें थी कि खुद रामविलास पासवान भी ऐसा मानने लगे थे और वहीं पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था। यानी हाजीपुर से जीतने के लिए रामविलास पासवान हर मोर्चे पर काम करते थे और इस सीट पर उन्होंने दो बार जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दूसरी बार तो उन्होंने खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था और हाजीपुर में उनके लिए धरती से गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान के नारे लगते थे। लेकिन उनके निधन के बाद हाजीपुर की सीट पर दावेदारी के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस में ऐसी जंग छिड़ी कि लोक जनशक्ति पार्टी ही टूट गई थी। बेटे ने हाजीपुर सीट पर यह कहकर दावा किया था कि ये सीट उनके पिता की, जबकि भाई पशुपति पारस ने भी अपने भाई की सीट पर ही दावा ठोक दिया था। बीच बिहार में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला तय हो गया। खबर है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 28, कांग्रेस को 9, सीपीएम को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बेगूसराय और कटिहार इन दो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। पिछले हफ्ते ईडी की टीम ने हैदराबाद में उनके घर पर छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक